और क्या G20 समिट के पूरा हो जाने के बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा, जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। G20 से पहले चीन पर TV9 भारतवर्ष ने यही सवाल किया, इसका जवाब लेने की कोशिश की। G20 के शेरपा अमिताभ कांत का इस पर जवाब बहुत इंपॉर्टेंट। सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणा पत्र आएगा, सर्वसम्मति से ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने रखा जाएगा, सभी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है G20 के शेरपा की तरफ से। Amitabh ji, continuously you are talking about a joint declaration. You worked hard for it, and you said that joint declaration will come very soon and it will be very specific. But from China's side, about in the joint declaration, no consensus should be made in the name of one earth, one family, one future. इस तरह की जर्नी रही अगर आप इसको शेयर कर सके, क्योंकि हर जर्नलिस्ट यही पूछ रहा है joint declaration आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कैसे आएगा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रियलाइज द हाई नेचर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द लीडर्स डिक्लेरेशन, बिकॉज इट हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द लीडर्स एंड दे हैव टू अप्रूव इट। बट आफ्टर दैट वी विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन, इल्यूसिडेट एंड टेक यू इनटू ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट लीडर्स डिक्लेरेशन। As far as AU is concerned, let me say that the Prime Minister, who's a great believer in Global South, had written to all the leaders to, and there has been a very positive response, but formally that will come before summit. Thirdly, on the Chinese, I would merely like to say that China is a multilateral player. In multilateral discussions, the issues are very different from bilateral issues, and Chinese discuss issues of growth, development from their perspective. The challenge about any multilateral discussion is that you have to bring consensus across every issue. Every country has a veto power, and therefore we have to bring everybody on board. And I must say that we have been able to work with every single country and bring them on board, which you will later see. चीन को लेकर अमिताभ कांत की बात आपने सुनी है। कूटनीति के इस महाकुंभ में चीन पर पूरी दुनिया की नजर भी है, और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग आज शाम दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं। तो G20 में अब भारत अमेरिका की कैसे होगी चीन को लेकर बात, और G20 में क्या है चीन का महत्व, इस रिपोर्ट से समझिए। G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह चीन के PM ली कियांग आएंगे। ली कियांग शाम 7:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उनका स्वागत करेंगे। हालांकि चीन के साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी बाइडेन मुलाकात में चीन पर बातचीत संभव है। भारत और अमेरिका के बीच चीन का विस्तारवाद, चीन रूस गठजोड़, दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी दबदबा, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, चीन की वैश्विक नेतृत्व पर दावेदारी को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि भारत और चीन के बीच कड़वे रिश्ते के बावजूद दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 4 साल के आंकड़ों पर नजर डाले तो 2019-20 में $65.26 अरब, 2020-21 में $65.21 अरब, 2021-22 में $94.57 अरब का व्यापार हुआ। भारत चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की पहल जारी है, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से दोनों देशों के बीच कड़वाहट है, जिसे मैत्रीपूर्ण परामर्श के जरिए ही खत्म किया जा सकता है।